أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I welcome to all of you in this demo session or in this orientation class of the subject of sociology I welcome to all of you on the behalf of CSS Greenery My name is Agha Shahryar Khan I belong to the 40th CTP and currently allocated in Pakistan Audit and Account Service आज हमारा जो orientation session है वो है एक optional subject का जिसका नाम है sociology Before starting the orientation session, हर बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आज भी कहूँगा कि what is the purpose behind conducting this orientation session? Basically, there are three purposes behind this session. The first one, whether to opt this subject or not. ठीक है? काफी बच्चे optional subjects के अंदर हमारे अंदर मसला होता है कि हम इस subject को opt करें या ना करें. We will discuss the pros and cons and totally the decision will be yours. मैं आपको guide कर सकता हूँ, pros and cons बता सकता हूँ, final फैसला आपका होगा. Second point है जी आज के agenda का वो होगा कि if you are going to opt this subject, then how to prepare it? किस तरह इस subject को prepare करना है? क्योंकि again सब जो इस subject का syllabus है वो somewhat ambiguous है. किस तरह इसको प्रिपेयर करें हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर व्हाट आर द गुड सोर्सेज ऑफ प्रिपेयरिंग दिस सब्जेक्ट हार्ड कॉपी में या ऑनलाइन वो कौन सी सोर्सेज हैं जिनसे हम प्रिपेयर कर सकें एंड हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट क्या तो ना सिर्फ प्रिपेयर करें बल्कि किस तरह इस पेपर को एग्जाम में प्रेजेंट करें कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेशन इज टू शो यू द रोड मैप ऑल द स्टूडेंट्स वांट टू ज्वाइन आर कोर्स ऑफ सोशियोलॉजी तो उनको एक कोर्स ऑफ एक्शन बताया जाए कि हाउ डू वी गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप मुझे अपने 50 से 60 मिनट दे रहे हैं देन इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज के सेशन में आप कुछ ना कुछ लेकर उठें ठीक है आप कुछ ना कुछ गेन कर उठें सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आपको कन्विंस किया जाए कि आप एकेडमी को ज्वाइन करें हमारी बल्कि आपको कुछ ना कुछ फायदा हो अच्छा रूल्स में बता दूं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द चैट In the last part of the session, I will give you 10 to 15 minutes to ask question particularly related to the subject of sociology. पहले तो सब लोग मुझे ये बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है, मेरी स्क्रीन सही नजर आ रही है, then मैं जो move forward पर जाता हूँ. चलें आगे बढ़ते हैं सोशियोलॉजी ओरिएंटेशन सेशन एजेंडा ऑफ द सोशियोलॉजी ओरिएंटेशन सेशन वो जो मैंने तीन पॉइंट आपको बताए थे कि वेदर टू ऑफ दिस सब्जेक्ट हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू गेट गुड मार्क्स एंड रोड मैप उसी को सब डिवाइड करते हैं पहले पॉइंट है डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट दूसरा पॉइंट है डिस्कशन ऑन द सिलेबस ठीक है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिलेबस में भी आपको दिखाऊंगा भी कि सिलेबस में सिर्फ लिखा हुआ है कि आपको इमल दरकैम की थ्योरीज करनी है सिलेबस में आपको लिखा हुआ है कि सिर्फ आपने मैक्स वेबर की थ्योरीज करनी है इमल दरकैम की बहुत सारी थ्योरीज है कौन कौन सी थ्योरीज करनी है मैक्स वेबर की कौन कौन सी थ्योरीज करनी है ये नहीं लिखा हुआ उसके ऊपर बात करेंगे इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन बताई जाएंगी हाउ टू प्रिपेयर ईच टॉपिक यार ईच टॉपिक प्रिपेयर करूँ फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर इमल दरकैम की थ्योरी ऑफ सुसाइड तैयार करनी है तो मैं इसको किस तरह तैयार करूं या मुझे सोशल प्रॉब्लम्स तैयार करना है ड्रग एब्यूज के तैयार करना है या पॉपुलेशन का क्वेश्चन तैयार करना है ठीक है या जो है मुझे स्ट्रीट क्राइम्स का क्वेश्चन तैयार करना है तो मैं उसको किस तरह प्रिपेयर करूं एंड हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ सोशियोलॉजी किस तरह उसको अटेम्प्ट करूं ताकि मेरे अच्छे नंबर आ जाएं ट्रिप्स एंड टिक्स टू स्कोर हाई इन द सोशियोलॉजी उसी में आपको ट्रिप्स एंड टिक्स बताई जाएंगे एंड देन द सेलेंट फीचर्स ऑफ सीएसएस ब्रेनरी सीएसएस सोशियोलॉजी कोर्स एट सीएसएस ब्रेनरी हमारी अकेडमी में आप जो है अगर ये ज्वाइन करेंगे तो उसके सेलियंट फीचर्स क्या होंगे हमाद मुझे लगता है कि आप मेरी बात सुन नहीं रहे मैंने पहले ही बोला कि मैं इस पर डिस्कस करूंगा कि whether to opt this subject or not, उसके pros क्या है, उसके cons क्या है,
ठीक है, एंड यू गेट सोशियोलॉजी से. सबर करें, सब कुछ आपको पता चल जाएगा. जंप नहीं मार, इफ यू हेयर टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन तो फिर आप जो है वो आपका आने का फायदा नहीं. ठीक है, आप पूरी चीज सुनेंगे तो आपको फायदा होगा. हमारे बच्चों का यही मसला है कि वो बस अपने मकसद की बात सुनने के लिए बैठे होते हैं, पूरी जो डिटेल है उसको वो नहीं सुनते हैं. एट द एंड यू विल गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, तो पेशेंस रखें. इफ यू डू नॉट हैव पेशेंस यू कैन लीव द सेशन. अच्छा जी, डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट. पहली बात है डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट सोशियोलॉजी पे, ताकि आपका क्लियर हो माइंड के वेदर टू ऑप्ट और नॉट. जनरल व्यू, जनरल व्यू क्या है इस सब्जेक्ट का, जो कि इस टाइम के ऊपर स्टूडेंट्स एकेडमीज उस व्यू को प्रमोट करती हैं. पहले जनरल व्यू की बात करेंगे और फिर देखेंगे वेदर दिस व्यू इज करेक्ट और नॉट. जनरल व्यू है कि जी ये इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है. इजी सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि हम इसके अंदर कोई टेक्निकल बात नहीं पढ़ रहे होते. इसके अंदर हम पढ़ते हैं व्हाट इज सोसाइटी, सोसाइटी क्या है, कल्चर क्या है, सोसाइटी डेवलप कैसे हुई, सोसाइटी के अंदर चेंज किस तरह आता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोविड पेंडेमिक आया तो आपने देखा कि एक रैपिड सोशल चेंज आया. हर हर सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर चेंज आया, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो. तो सोशल चेंज आते क्यों है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशल चेंज की स्पीड को बढ़ा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए पेंडेमिक आया, रैपिड सोशल चेंज है. इसी तरह अगर आप कोई लेजिस्लेशन पास करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जब अमेंडमेंट पास की गई 30th अमेंडमेंट, और उसके थ्रू स्लेवरी को खत्म किया गया, तो एक पूरी सोसाइटी में चेंज आ गया. तो लॉ के थ्रू भी आप सोशल चेंज ला सकते हैं, मूवमेंट्स के थ्रू सोशल चेंज आते हैं. फॉर इंस्टेंस रिसेंटली मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो सेक्चुअल हैरेसमेंट का जो सोशल इशू था वो एक्सेंचुएट हुआ और उसके ऊपर काफी मुल्कों में लेजिस्लेशन पास हुई. तो आते क्यों है सोशल चेंजेस, क्या वो स्पीड्स हैं. इसी तरह सोशल चेंजेस को की स्पेस स्लो करने वाली क्या चेंजेस हैं, रिएक्टिव मूवमेंट्स होती हैं. ठीक है, इसके अलावा हम सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, कि भाई पॉपुलेशन का इशू क्या है, ड्रग एब्यूज क्यों बढ़ती जा रही है माशरे के अंदर, स्ट्रीट क्राइम्स क्यों है, माइग्रेशन रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में क्यों हो रही है ज्यादा. ठीक है, स्पाउस अब्यूज ज्यादा क्यों है, सुसाइड रेट एक पार्टिकुलर सोसाइटी में ज्यादा है, दूसरी सोसाइटी में कम है, ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं जी स्ट्रेटिफिकेशन, कि सोसाइटी में कितने तरीकों से सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ है, कास्ट के ऊपर डिवाइड किया हुआ है, क्लास के ऊपर डिवाइड किया हुआ है, जेंडर के ऊपर डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, किन किन चीजों के ऊपर डिवाइड किया हुआ है, और वो फायदेमंद है या नुकसानदेह है. ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं कि भाई लोग आपस में यूनाइट क्यों है. ठीक है, यूनाइट का मतलब है कि लोग आपस में इंटीग्रेट क्यों है, व्हाई इज देयर इंटीग्रेशन इन सोसाइटी, वजह क्या है उसकी, लोग आपस में इंटीग्रेशन क्यों रखते हैं, क्यों जो है वो ना रहे सोसाइटी के अंदर. ठीक है, इस चीज को डिस्कस किया जाता है. तो अगेन ये मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़े अच्छा. फिर एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैन इज अ सोशल एनिमल. आप जो भी बोलते हैं, द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव, द वे यू सिट, द वे यू ईट, द वे यू सेलिब्रेट योर फंक्शंस, योर मूवमेंट्स, आपके जो भी ट्रेडिशंस हैं, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ ए सर्कल इन विच यू लिव. ठीक है, वो उस पार्ट ऑफ सर्कल का है जिसमें वो रह रहा है. फॉर इंस्टेंस अगर हमारे कल्चर में, जो कि एक कंजर्वेटिव कल्चर है खासतौर पे रूरल एरियाज का, वहां पर किसी फैमिली में अगर गर्ल चाइल्ड की बर्थ होती है तो उसको वहां पर एक मायूसी सी छा जाती है. बट इन द सेम वे अगर आप अर्बन एरियाज में जाएं, या इवन अगर आप डेवलप वर्ल्ड में जाएं, वहां पर गर्ल चाइल्ड की बर्थ को उसी तरह सेलिब्रेट किया जाता है जिस तरह बॉय चाइल्ड की बर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है. हालांकि इंसान वही है, इमोशंस हर किसी के पास वही 5 से 6 इमोशंस है, एंगर, सोरो, डिस्गस्ट, हैप्पीनेस, फियर, बट उनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो हर सोशल सेटिंग्स के अंदर डिफरेंट है. क्यों है, ठीक है, क्यों डिफरेंट है, क्यों, किस तरह सोसाइटी जो है वो मुझे और आपकी पर्सनैलिटी को इंजीनियर करती है, स्ट्रक्चर करती है. मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको सोशियोलॉजी का, ताकि जो बच्चे ऑप्ट करना चाह रहे हैं उनका माइंड हो कि भाई हम क्यों ऑप्ट कर रहे हैं, या हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर.
ठीक है, तो और कितनी तरह की सोशियोलॉजी होती है, ठीक है, किसी तरह की सोशलाइजेशन होती है, प्राइमरी सेकेंडरी, कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो आपको इम्पैक्ट करते हैं, आपका घर हो गया, आपका स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन है, इसके अलावा मदर केयर जो है वो सिस्टम्स है वो आपको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये सब चीजें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे अपनी सीएसएस प्रिपरेशन के दौरान दो सब्जेक्ट ने मेरी पर्सनैलिटी को बड़ा इम्पैक्ट किया, एक था जेंडर स्टडीज, एक था सोशियोलॉजी। क्योंकि जब भी मैं सब्जेक्ट पढ़ता था ना, तो आई डिड नॉट प्रिपेयर द सब्जेक्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सीएसएस। मैं ये देखता था कि उस सब्जेक्ट से मुझे कैसे फायदा होगा, ठीक है, मुझे कैसे फायदा हो रहा है। तो सोशियोलॉजी बड़ा आपके इंटेलेक्चुअल होराइजन को जो है वो वाइडन कर देता है। फिर आप जब भी पर्सन के एक्ट्स को देखते हो तो आप इंडिविजुअल्स के साथ साथ उसके मुआशरे को भी एनालाइज करते हो कि यार अगर ये इंसान एक क्राइम कर रहा है तो इसमें इसका कितना एक्ट है और जहां से ये आया है उस जगह का कितना रोल है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही है तो वो जो बंदा कर रहा है हैरेसमेंट उसका कितना रोल है और वो जो ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या वहां पे रूल्स रेगुलेशंस मौजूद है, क्या वहां पे वो जो है वो मेथोडोलॉजी मौजूद है या नहीं है, ठीक है। मेरी बातें आप लोगों को समझ में अभी थोड़ी सी शायद ना भी आए, आगे चल के हम जो है वो सारी बातें इंशाल्लाह वन बाय वन क्लियर कर लेंगे। फिर मैंने कहा ये इजी सब्जेक्ट है, पूरा आपको एक ओवरव्यू दिया आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर जो लोग ऑप्ट करना चाहते हैं। फिर स्कोरिंग बने जी, आगे अच्छा स्कोर आता है सोशियोलॉजी के अंदर, बट उसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। वेरी डिफिकल्ट टू फेल इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी वन ऑफ दो सब्जेक्ट जिसमें आप फेल होना मुश्किल है। ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स है, अब यहाँ पर बात आ गई हमारे पास जो यहाँ पर हम्माद ने पूछा था कि सर डस सोशियोलॉजी सिमिलर विद क्रिमिनोलॉजी। तो सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ओवरलैपिंग है दूसरे सब्जेक्ट के साथ। ओवरलैपिंग वाले सब्जेक्ट सब क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि हमारा सीएसएस के अंदर प्रिपरेशन में हमेशा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इनपुट कम दें, यानी इनपुट जितना भी हो और हमें आउटपुट ज्यादा से ज्यादा गेन हो, यानी हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो हम ऐसे सब्जेक्ट ढूंढते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स ओवरलैप कर रहे हो, ठीक है। तो सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ओवरलैपिंग क्रिमिनोलॉजी से भी है, सोशियोलॉजी की ओवरलैपिंग एंथ्रोपोलॉजी से भी है, सोशियोलॉजी की ओवरलैपिंग जेंडर स्टडीज से भी है, ठीक है। जेंडर स्टडीज में पूरा एक टॉपिक है सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर। क्रिमिनोलॉजी की तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी इतनी दी, चाहे स्ट्रीट क्राइम हो, चाहे ड्रग अब्यूज हो, हर चीज को आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डिफाइन कर सकते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इसके साथ साथ एंथ्रो वो अगेन उसी का एक सब कैटेगरी है, तो ये तीन से चार सब्जेक्ट का एक लूप बन जाता है। इसी तरह एसए में भी आपको बड़ी हेल्प करती है सोशियोलॉजी, क्योंकि जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो माइग्रेशन हो, चाहे वो ड्रग अब्यूज हो, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम हो, इवन कोविड हो, आप जब भी ऐसे लिखेंगे तो जब आपने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी, यू हैव अ कैपेसिटी टू गिव सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एज वेल इन योर एसे। तो ये है डिस्कशन ऑफ द सब्जेक्ट कि आप अगर प्रिपेयर ऑप्ट करने जा रहे हैं तो मैंने आपको चीजें बताई, इजी सब्जेक्ट है, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं वो भी बताया, स्कोरिंग है, ओवरलैपिंग है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ दिस सब्जेक्ट। मसला कहां पर है, बिकॉज इट इज इंपेरेटिव टू डिस्कस द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट के बारे में उनको भी समझना बहुत जरूरी है। पहली मिसअंडरस्टैंडिंग यह है कि जी इफ यू एनालाइज द पास्ट पेपर यू विल फील दैट यू कैन डू इट नाउ। आप ये एक वो है कि बहुत लोग इसको इजी समझ लेते हैं, बोलते हैं भाई अगर आप पास्ट पेपर्स देखो तो उसमें पॉपुलेशन का सवाल है, उसमें जो है वो माइग्रेशन का है, मतलब आप मैं अभी कर सकता हूँ, मुझे इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं सब्जेक्ट को 10 से 12 दिन में जो है वो मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। इट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, because the way you attempt the question of population in current affairs you cannot attempt the question of population in sociology, theek hai, the method of attempting a question in current affairs is diametrically different the method of attempting the question in the subject of sociology, zameen aasman ka farq hai, theek hai। phir ek aur myth hai ki ek book agar aap padh lo
जो कि एक बुक मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जो बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं, खासतौर पर जो 2016 के हैं, अब्दुल हमीद तागा, सोशियोलॉजी पर अब्दुल हमीद तागा, उससे आप प्रिपेयर हो जाएगा। आप मेरा सेशन ज्वाइन करें या ना करें, अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्ट करना चाह रहे हैं, काइंडली कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दिस बुक। दिस इज अ स्क्रैप, इट इज अ ट्रैश। ये बुक आपके ना कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ तबाह करेगी बल्कि आपका टाइम भी वेस्ट करेगी। ठीक है, तो कभी भी आपने ये बुक से प्रिपेयर नहीं करना, ना ही कोई गाइड या कोई एकेडमी की बुक मिल रही है उससे आपने प्रिपेयर करना है, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को तबाह कर देगा। ठीक है, आपने प्रिपेयर किस तरह करना है या क्या करना है मैं भी आपको बताऊंगा। तो यहां पर देखते हैं सब। ठीक है, तो करेक्ट अप्रोच और सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है? इफ यू हैव इंटरेस्ट इन लर्निंग दीज थिंग्स जो मैंने आपको बताई, सोसाइटी, सोशल चेंज, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल प्रॉब्लम्स, सोशलाइजेशन, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, सोशल रिसर्च, देन व्हाट आर द करेक्ट अप्रोच एंड सिस्टमेटिक अप्रोच? एकेडमिक्स एंड लोकल बुक्स अ बिग नो। व्हाई? बिकॉज दीज बुक्स डेवलप रूट लर्निंग। दीज बुक्स पुश यू कि आप रटा लगाओ। ठीक है कि यार बस तीन तरह की थ्योरीज है, दरखैम की, एक मिनट जी। ठीक है भाई, तीन तरह की बुक है दरखैम की, तीन तरह की थ्योरीज है दरखैम की, सोसाइटी की, बस को याद कर लो और जाके रिप्रोड्यूस कर लो। दिस इज इन इनकरेक्ट अप्रोच। You can pass the exam, but you can never score high. You might pass the exam. आप शायद इस बुक से पढ़ें और पास भी कर जाएं, but आपका जो स्कोर है या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप नहीं होगी। डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। आपने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है सब्जेक्ट की। कैसे क्रिएट करेंगे? पहले तो आपने थ्योरेटिकल पोर्शन को बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है, इतना समझना है कि रिलेट ईच एंड एवरी इशू टू सोशल पर्सपेक्टिव। हर इशू को आप सोशल पर्सपेक्टिव से कनेक्ट कर पाए। दिस बैग्स अ क्वेश्चन, सर हाउ? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, कोविड पेंडेमिक आया। अब सवाल आता है, कोविड ने क्या चैलेंजेस और जो है वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की सोसाइटी में, सोशियोलॉजी के पेपर में? तो आप डायरेक्ट नहीं लिख देंगे कि भाई जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप सोशल पर्सपेक्टिव से बताएंगे कि भाई स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के तहत क्या होगा, जो है हमारे पास सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्टिव पर्सपेक्टिव क्या है, और जो सोशियोलॉजिकल के कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल कोविड की वजह से जो है वो हमने देखा कि जो है वो एनोमी का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, आप एनोमी का कॉन्सेप्ट कौन सा है, दरखैम ने भी दिया था, मॉडल भी यहां पर यूज कर सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि भाई कोविड की वजह से हमने देखा मौशे के अंदर ज़ेनोफोबिया आया, हमने देखा सोसाइटी के अंदर एक नेशनलिज्म की वेव आई। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, कोविड की वजह से सोशल चेंज आया। ठीक है, इस तरह आप पूरे सिनेरियो को डिस्कस करेंगे, चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम है, चाहे कोई सी भी है, आपने उसको सोशल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना है। इस तरह आपने कॉन्सेप्ट बनाने, मेरा पूरा तरीका यही होता है कि मैं पहले थ्योरीज पढ़ाता हूं। थ्योरी पढ़ाना बड़ी बात नहीं है, थ्योरीज के बाद एग्जाम्पल देना बड़ी बात है, और जो कंटेम्प्रेरी सिनेरियो है उसको कनेक्ट करना बड़ी बात है। मैं आपको एग्जाम्पल और भी देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे वो पूछता है कि भाई माशरे में जो है वो पाकिस्तान की बात कर ले, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स लिखी हुई है यूएन रिपोर्ट की, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, 7.6 मिलियन वेयर 78% आर मेल एंड 72% आर फीमेल, कि पाकिस्तान में हर साल 40,000 लोग ड्रग अब्यूज का शिकार होते हैं, जिसमें से मेजोरिटी जो है वो 24 एज के अंडर है, बताएं क्यों? तो आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके नहीं लिखना, आपने करना यह है। काशिफ कह रहे हैं सोशियोलॉजी वाज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। जी बिल्कुल, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था जी। अच्छा, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो रही है तो मैं अपना इंटरनेट बंद कर देता हूं ताकि आप जो है वो सही से सुन पाए।
ठीक है ना, मैं देख लेता हूँ मेरा डिवाइस चल रहा है। एक मिनट जी, डिवाइस ऑफ है तो इसको पहले ऑन कर देते ताकि हमारी डिस्टॉर्शन ना हो। एक मिनट मुझे दीजिएगा ताकि मैं अपने ये जो 4G है इसके ऊपर स्विच कर जाऊं ताकि हम सही से जो है वो ये सेशन को कवर कर पाए। मेरी आवाज आ रही है जी आप सबको? मेरी आवाज सही आ रही है आपको? सबको क्लियर है जी मेरी आवाज? मैं थोड़ी देर वीडियो बंद कर रहा हूं ताकि जो है वो आपको आवाज सही सुनाई दे। बिल्कुल क्लियर है सबको आवाज? चले, मैं कह रहा था कि आपके पास क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल कि ड्रग एब्यूज। मैंने बताया कि पाकिस्तान में हर साल 40,000 बच्चे जो है वो ड्रग एब्यूज का शिकार है अकॉर्डिंग टू द UNODC यूनाइटेड नेशंस ड्रग एंड क्राइम की जो उनकी वो है ऑफिस है। तो सवाल आता है क्यों है, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड ड्रग एब्यूज। ना वीडियो फिर भी खोल लेते हैं, शायद अब सही हो गया। तो क्या है, तो आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके नहीं लिखना, आपने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताना है। फॉर एग्जांपल कि भाई थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन क्या कहती है इसके ऊपर, कंट्रोल थ्योरी क्या कहती है इसके ऊपर, एनोमी थ्योरी जिसको हम स्ट्रेन थ्योरी कहते हैं उसका क्या पर्सपेक्टिव है ड्रग एब्यूज के ऊपर, वो क्या कॉजेज बता रही है ड्रग एब्यूज की, ठीक है ना। तो आपने ईच एंड एवरी थिंग को सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बताना है, पहली बात कर रहा हूं। यानी कोई भी अगर आपको कंटेम्पररी सिचुएशन देता है ना कि भाई कोविड है या फिर पॉपुलेशन है या फिर जो है हमारे पास ड्रग एब्यूज है या क्राइम है, तो उसको आपने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना है, चाहे वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हो, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हो, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हो या फिर इनके सब पार्ट्स और डिफरेंशियल एसोसिएशन, कंट्रोल थ्योरी, एनोमी, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, तब जाके ये बताया जाके कि आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है, वरना तो आपको वो बात नहीं पता, वरना तो आप जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ आंसर आप लिख रहे हैं, फिर आपके 20 में से 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम देख लेते हैं कि दूसरा पार्ट क्या है आपको करेक्ट अप्रोच का। दूसरा पार्ट है जी हमारे पास कि ई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम फ्रॉम द लेंस ऑफ सोशियोलॉजी। मैंने आपको बताया, गिव कंटेम्पररी एग्जांपल वेयर यू डिस्कस सोशल थ्योरी। अब बच्चे क्या करते हैं, उसने पूछा आपसे कि भाई आप जो है वो अगस्त कॉम्प्टे की थ्योरी बताइए, या उसने पूछा आपको जो है वो आप जो है वो इमल दखन की जो है वो सुसाइड की थ्योरी बताइए। अब बच्चे पूरी थ्योरी लिख देते हैं, उसके स्टेप्स लिख देते हैं, बट दे फेल टू गिव द एग्जांपल फ्रॉम द रियल वर्ल्ड कि भाई वो थ्योरी जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह अप्लाई हो रही है। अंटिल एंड अनलेस यू डू नॉट गिव एग्जांपल्स आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब कुछ सालों से तो उसने लिखना भी शुरू कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूं कि कुछ सालों से तो उसने लिखना भी शुरू कर दिया है। ये देखिए, एक मिनट दीजिएगा, ये देखिए जी, रुके रुके, हमारे पास पेपर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सालों से। ये देखें, अगस्त कॉम्प्टे एंड एक्सप्लेन स्टेप्स विद कोजेंट एग्जांपल्स, ये तो उसने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन अगर वो नहीं भी लिखता तो आपने थ्योरीज के साथ एग्जांपल्स रियल वर्ल्ड की जरूर लिखनी। फॉर एग्जांपल अगस्त कॉम्प्टे की थ्योरी है, मैं अभी थ्योरी तो पूरी नहीं पढ़ा रहा, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगस्त कॉम्प्टे की हमारे पास थ्योरी है कि पहले इंसान के दिमाग में चेंज आता है, पहले उसकी थिंकिंग में चेंज आता है और फिर ग्राउंड के अंदर चेंज आता है, ये उसकी थ्योरी है। अब उसने उसके डिफरेंट स्टेप्स बताए जो कि अब हम नहीं इस टाइम पे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, बट उसकी एग्जांपल्स क्या होंगी, बहुत सारी उसकी एग्जांपल्स हो सकती है। उसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल के अमेरिकन रेवोल्यूशन जो आया, ठीक है, या फ्रेंच जो रेवोल्यूशन आया, अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, बोथ ऑफ दीज रेवोल्यूशन बेसिकली द चाइल्ड ऑफ इनलाइटनमेंट। ये दोनों रेवोल्यूशन जो थे वो इनलाइटनमेंट एक जो थिंकिंग थी उसकी वजह से आए, और वो इनलाइटनमेंट थिंकिंग क्या थी, रीजन और इंटेलेक्ट, ठीक है, क्या थी, रीजन और इंटेलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल थॉमस पेन वहां का एक समझे रेवोल्यूशनिस्ट था, उसने लिखा, मैं वीडियो बनी कर देता हूं जी,
थॉमस पेन ने एक लेटर लिखा कॉमन सेंस, और उसने लोगों को बताया कि भाई ये जो किंग्स वगैरह आप पे हुकूमत कर रहे हैं इनका तो कोई राइट ही नहीं है। हुकूमत अच्छी जब होती है जब आप मेरिट की बुनियाद पे लोगों को सिलेक्ट करें और उनको अपना हुक्मरान बनाएं, यानी डेमोक्रेसी, रिपब्लिक की बात। देखिए पहले आइडिया कहां पर आया, जहन के अंदर, फिर वो आइडिया कहां पर कन्वर्ट हो गया, रेवोल्यूशन में। ये उसकी एग्जांपल हो सकती है। अगेन अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से एग्जांपल लें तो आप अपनी पाकिस्तान मूवमेंट की एग्जांपल दे सकते हैं, अल्लामा इकबाल की, कि पहले उन्होंने सोचा, खुद ही का कॉन्सेप्ट दिया, नेशनलाइजेशन, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, और फिर वो सोच जो है वो कन्वर्ट हुई और पाकिस्तान जो है वो आजाद हुई। तो पहले सोच कहां पर है, दिमाग के अंदर, और फिर वो सोच कहां पर कन्वर्ट होती है, जो है वो ग्राउंड में, ठीक है। यानी पहले एक आइडिया जनरेट होता है दिमाग में और फिर ग्राउंड पर चेंज आता है। ये आपने एग्जांपल्स देनी है, अगर आप एग्जांपल्स नहीं दे रहे तो आप नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म का भी एक आइडिया जनरेट हुआ था, देन ग्राउंड पर चेंज आया, ठीक है ना। एंड ऑफ स्लेवरी का भी एक आइडिया था, देन ग्राउंड पर चेंज आया। मैं अगेन कह रहा हूं कि ये एग्जांपल्स कहीं पर लिखी हुई नहीं है, ये आपने खुद करनी है। मेरा तो पूरा तरीका यही है, जो भी ज्वाइन करना चाहेगा हमें कोर्स में, कि मैं हर थ्योरी के हर स्टेप्स पे तीन तीन चार चार एग्जांपल्स देता हूं। तो जो भी थ्योरी करो उसके एग्जांपल दो, ठीक है। इसी तरह जो है इसके अगेंस्ट एक थ्योरी दी कार्ल मार्क्स ने, उसने बोला कि भाई पहले दिमाग में चेंज नहीं आता, उसने बोला पहले सोसाइटी के इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज आता है और फिर लोगों में चेंज आता है। उससे पूछा गया क्यों, उसने बोला कि भाई इंसान जो है वो तो अपने सोशो और इकोनॉमिक कंडीशंस की प्रोडक्ट है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक बच्चा अगर हाई क्लास में पैदा होता है, अपर क्लास में पैदा होता है, तो उसका दिमाग भी उसी तरह डेवलप होगा और वो सोचेगा भी उसी तरह। एक बंदा अगर पुअर फैमिली में पैदा हो रहा है, लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी में पैदा हो रहा है, क्रिमिनल फैमिली में पैदा हो रहा है, तो उसका दिमाग भी उसी तरह पैदा होगा और वो सोचेगा भी उसी तरह, ठीक है। तो उसने बोला बेसिकली योर इकोनॉमिक कंडीशन, योर इकोनॉमिक क्लास डिफाइंस योर कॉग्निटिव कैपेबिलिटी। अभी दोनों थ्योरी आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती है, बट क्या आप इस काबिल हैं कि आप दोनों को कंपेयर कर पाए, ठीक है। क्या आपने इतना अच्छा पढ़ा है कि आप जो है वो इसको कंपेरेबल कर पाए। इसी तरह इमिल दखैम की थ्योरी है जी, थ्योरी ऑफ सुइसाइड, उसकी बुक थी सुइसाइड, बुक का नाम था जी सुसाइड अ सोशियोलॉजिकल रिसर्च। उसमें उसने तीन तरह की सुसाइड्स बताई और उसने बोला कि बेसिकली जब एक इंसान जो है वो माशरे से जितना कम इंटीग्रेट होता है, जितना एलिनेशन में जाता है, उतनी उसके जो है वो सुसाइड की जो है वो रेट बढ़ जाता है। अब आपने उसके अंदर एग्जाम्पल्स देनी है, उसके अंदर उसने एग्जाम्पल्स कोट किए, कैपिटलिज्म, सॉरी प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिज्म की, क्या वो कोट कर रहे हैं, क्या आपको पता है। अगर आपको नहीं पता, अगर आप उसमें एग्जांपल्स कोट नहीं कर रहे तो आप जो है वो नंबर नहीं ले सकते। इसी तरह उसने बोला कि एक और सुसाइड की वजह ये होती है कि कभी कभी आप बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को किसी और की आइडेंटिटी के अंदर एब्जॉर्ब कर देते हैं। अगेन ये मैं जल्द सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपने लिखना किस तरह है, पूरी थ्योरी इंशाल्लाह कोर्स में डिस्कस करेंगे। उसने बोला आप दूसरी की आइडेंटिटी में एब्जॉर्ब कर देते हैं और वो बंदा अगर आगे पीछे हो गया तो आपके भी जीने का मकसद खत्म हो जाता है और आप सुसाइड कर लेते हैं। अब क्या आप इसके अंदर एग्जांपल्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में एक प्रैक्टिस थी पुराने जमाने में, आज भी कई जगह पर है, जिसको कहा जाता है साती की प्रैक्टिस, सती प्रैक्टिस। उसमें क्या होता है, अगर एक जो है वो औरत का शौहर मर जाए तो वो औरत भी अपने आप को मार लेती है, ठीक है। औरत का शौहर मर जाए तो वो भी अपने आप को मार लेती है, क्यों, वजह उसकी सेल्फ आइडेंटिटी नहीं होती, उसने अपनी आइडेंटिटी अपने शौहर की आइडेंटिटी में एब्जॉर्ब कर दी होती है। एक और एग्जांपल देके आगे बढ़ता हूं। सोल्जर है जी, सोल्जर बॉर्डर पे लड़ रहा है, अब वो बॉर्डर पे लड़ रहा है, उसको पता है मुझे भी गोली लगेगी, मैं मर जाऊंगा, अगेन क्यों कर रहा है वो ऐसा, ठीक है ना, ठीक है। वो सोल्जर पे लड़ रहा है कंट्री के लिए, खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है, क्यों कर कंट्री, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को कंट्री की आइडेंटिटी में एब्जॉर्ब कर दिया है, नाउ द होल थिंग इज अ कंट्री और अ स्टेट, ठीक है। तो क्या आप ये एग्जांपल्स दे रहे हैं,
ठीक है, इसी तरह एनोमी है, एनोमी पे उसने बोला था कि भाई जब रैपिड चेंज आता है सोसाइटी में तो सुसाइड ज्यादा हो जाती है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में रिपोर्ट थी कि थर में एक सुसाइड हुई है, वजह क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो ड्राउट्स आ रहे हैं, ड्राउट्स की वजह से किसानों की खेती पूरी तबाह हो रही है और वो उस सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एंड बेसिकली सुसाइड। क्या आप इस एग्जाम्पल को एनोमी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर इन सोशियोलॉजी, फिर आप फेल भी हो सकते हैं क्योंकि आप थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है पेपर, ठीक है। लेकिन मेरा तरीका ये है कि मैं हर पॉइंट पर हर चीज के ऊपर एग्जांपल्स दूं, एंड इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग, अदरवाइज सोशियोलॉजी बहुत बोरिंग है। बट मैं इसी तरह, लेकिन अभी आपको कितना इंटरेस्ट आ गया, अच्छा यार यू भी है, इसको भी एग्जाम्पल कर रहे हैं, इसको भी कनेक्ट कर रहे हैं। इस स्लाइड्स को कंक्लूड करते हैं कि डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट को मैंने आपको पहले बताया पढ़ना क्या है, करेक्ट रॉन्ग अप्रोच क्या है और करेक्ट अप्रोच क्या है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, हर प्रॉब्लम के साथ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देना है, और अगर थ्योरी पूछे तो उसके साथ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स देनी है। तो मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स भी दे चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे एजेंडा का, वो है डिस्कशन ऑन द सिलेबस। सिलेबस को समझना क्यों जरूरी है? सिलेबस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी चीजें सिलेबस में उसने नहीं लिखी हुई, उसने मेजर मेजर चीजें लिखी हुई, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, आपने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म और कॉन्फ्लिक्टिव पर्सपेक्टिविज्म बड़ी डिटेल में करना है, ठीक है, वो आपने डिटेल में करना है। फिर आपकी थ्योरीज है, मैं आपको आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, अगर आप सिलेबस को देखें, ये है हमारे पास सिलेबस, ठीक है। अगर आप सिलेबस में देखें तो इसने देखिए एक ही लाइन में लिख दिया थ्योरीज इब्ने खल्दून, स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे, एमिल डर्कहम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, पार्सन, बट एक एक थ्योरिस्ट की बहुत सारी थ्योरीज है, आपको कैसे पता चलेगा? कई बुक में तो बहुत सारी थ्योरीज लिखी हुई भी नहीं है। दैट इज वाई सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है, और मैंने यहाँ पर आपके लिए डिवाइड किया हुआ है, यानी इमिल डर्कहम की कौन कौन सी थ्योरी है जी, थ्योरी ऑफ मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट्स, थ्योरी ऑफ रिलीजन, थ्योरी ऑफ सुसाइड, एंड कैन डेवियंस रियली बी अ फंक्शनल फॉर सोसाइटी और नॉट, ठीक है। अब इसमें आपने डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि भाई मैकेनिकल सॉलिडेरिटी क्या है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी क्या है, उसकी एग्जाम्पल्स क्या है और उसकी एग्जाम्पल्स क्या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैकेनिक सॉलिडेरिटी की बात कर रहे हैं या ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की बात कर रहे हैं, या ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की बात कर रहे हैं, अब ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में क्या है कि अगर सोसाइटी का हर पोर्शन एक अलग काम कर रहा है तो सोसाइटी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है, और दैट इज वाई सोसाइटी आपस में साथ रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक पोर्शन टीचर्स का है, एक पोर्शन क्लर्क्स का है, एक पोर्शन जो है स्वीपर्स का है, एक पोर्शन ड्राइवर्स का है, टेक्नीशियंस है, अब हर कोई अपना अपना काम कर रहा है लेकिन हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे बस में जाना पड़ेगा और बस ड्राइवर चलाएगा, ठीक है, और बर्फ बनाने वाले टेक्नीशियंस है, अगर बस ड्राइवर ना चलाए तो मसला हो जाएगा। इसी तरह स्वीपर्स का काम सफाई करना है, ठीक है, टीचर्स का काम पढ़ाना है, तो हर कोई अपना अलग अलग काम करता है, स्पेशलाइजेशन है, जिसकी वजह से इंटरडिपेंडेंस है और सोसाइटी एक साथ है। अगर आप अलग हो जाए तो आपको हर काम खुद करना पड़ेगा, वहां पे बहुत क्योस हो जाएगा। इसी तरह वो कहता है कि सोसाइटी में जब क्योस पैदा होता है, सोसाइटी में मैस तब क्रिएट होता है, सोसाइटी में जो है वो मसला तब पैदा होता है जब कोई एक ऑर्गन सोसाइटी का काम करना छोड़ दे। जिस तरह आपकी पूरी बॉडी है उसमें अगर आपका हार्ट पंप करना छोड़ दे तो आप मर जाएंगे, या फिर आपकी अगर किडनीज काम करना छोड़ दे तो आपके ओवरऑल फंक्शन में क्या हो जाएगा, मेल फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह वो कहते हैं कि भाई सोसाइटी में भी यही है। फॉर एग्जांपल आप हम लोगों ने देखा कि जब पूरे टीचर्स जो है स्ट्राइक पर चले जाते हैं, अगेन सोसाइटी रुक जाती है। अगर पूरे ड्राइवर्स स्ट्राइक पर चले जाए तो सोसाइटी रुक जाएगी, कैओस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन ये आपने एग्जाम्पल इस तरह पढ़ना है, क्या आपने इस तरह कनेक्ट कर रहे नहीं कर रहे? अगेन सना कह रही है डॉक्टर स्ट्राइक्स पे चले जाए, बिल्कुल आपने, हमने देखा जब डॉक्टर स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं लोग मरने लग जाते हैं, तो ये ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, इसी इसके अगेंस्ट की जो सॉलिडेरिटी है वो मैकेनिक सॉलिडेरिटी है, क्या उसको आपको पता है? देन थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट्स है, थ्योरी ऑफ रिलीजन है। फिर अगेन वो पूछता है कि भाई काफी दफा सवाल आया पेपर में कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड एडवांटेजेस ऑफ रिलीजन। अब
उसने सिर्फ आपसे रिलीजन का पूछा है, लेकिन अगर आपको थ्योरीज का पता है तो आप रिलीजन का स्टार्ट ही एमिल दुर्खाइम की थ्योरी ऑफ रिलीजन से करेंगे कि भाई एमिल दुर्खाइम ने क्या एडवांटेजेस बताया, जिसने यूफोरिया बताया था, वाइटैलिटी बताया था, उसने जो है वो कि एनर्जी आपको खुश करती है, मतलब रिलीजन से आप खुश रहते हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, आपको होप देती है, ठीक है। और इसी तरह मेल फंक्शंस भी हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमिज्म हो गया। फिर जब आप मेल फंक्शंस की बात करेंगे यानी रिलीजन के नुकसान की बात करेंगे तो फिर आप कार्ल मार्क्स की बात करेंगे कि भाई कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज एन ओपियम, द ग्रेटेस्ट ओपियम इन द वर्ल्ड इज रिलीजन, कि वो आपको बिला वजह का जो है वो होप देती है ताकि आप जो है वो किसी के सामने रिवॉल्ट ना करें, और ये बेसिकली कैपिटलिज्म है जिसने ये सब चीजों को इंश्योर किया हुआ है, ठीक है। तो अगेन रिलीजन में उसने सिर्फ क्वेश्चन में तो आपसे प्रॉब्लम्स और एडवांटेजेस पूछे हैं, लेकिन क्या आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का पता है कि एमिल दुर्खाइम ने पॉजिटिव्स की बात की थी, कार्ल मार्क्स ने नेगेटिव्स की बात की थी, ठीक है जी। थ्योरीज में अगेन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कौन कौन सी थ्योरीज है, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए जी एमिल दुर्खाइम की कौन कौन सी थी वो मैंने आपको बता दी, पूरी डिटेल में इंशाल्लाह सेक्शन में पढ़ेंगे। सर वी विल कनेक्ट दीज थ्योरीज विद आवर आंसर्स, यस काशिफ यू विल एंड यू शुड। मेरा पढ़ाने का अंदाज ही यही होता है कि मैं वो थ्योरी समझना बड़ी बात नहीं है, उसको कनेक्ट करना बड़ी बात है। तो हर पॉइंट पे मैं आपको चार पांच एग्जांपल जरूर देता हूं अपने कोर्स में। मैक्स वेबर की कौन कौन सी थ्योरी है जी, सोशल एक्शन, रिलीजन एंड ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म, थ्योरी ऑफ सोशल क्लास, थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी, आयरन केज मॉडल। अब देखो इन लोगों की ना सिर्फ थ्योरीज अपनी है बल्कि ये कंपैरेटिव एनालिसिस के भी यूज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, अगर मुझे याद हो किसी 2018 में आया या 19 में आया, देख लेते हैं। ये देखिए, evaluate the Karl Marx contribution to the concept of alienation, different types of alienation by। अब इसने Karl Marx का सिर्फ contribution पूछा है, यानी Karl Marx का concept पूछा है alienation का, यानी Karl Marx की क्या theory थी alienation की और उसके different steps बताएं। लेकिन अगर आपको ने अच्छा पढ़ा है ना, तो आप end में जाके जब critical analysis करेंगे तो आप उसमें comparative analysis करेंगे कि भाई जो Max Weber का model था iron cage का is somewhat basically similar to alienation। And similarly, जो एमिल दुर्खाइम का concept है, anomic suicide का, again वो भी alienation के concept के बराबर ही है। तो Max Weber, Karl Marx और एमिल दुर्खाइम के जो concept है, दोनों में क्या similarities है, क्या dissimilarities है, और किसका concept ज्यादा relevant है आज की दुनिया में। तो ना सिर्फ ये Karl Marx के जो है वो analysis हो जाएगा alienation का, बल्कि उसके ऊपर एक critique भी हो जाएगी कि उसने ये चीजों को इग्नोर किया। मेरी बातें सबके समझ में आ रही है जी? सब लोग बताएं। अरुबा सीमा ने तो बता दिया, बाकी भी फहीम कह रहे हैं यस सर। तो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस तरह समझना है। आयरन केज मॉडल एक बहुत अच्छी चीज है, जब भी मैं पढ़ता हूं मुझे मजा आता है आयरन केज मॉडल का। इंशाल्लाह क्लास में जब पढ़ेंगे तो आपको भी जो है वो मजा आएगा। Then जी Karl Marx, dialectic materialism, historic materialism, social change, theory of social class, alienation and theory of labor value. Again एक बहुत अच्छी जो है वो मैंने पूछा है सना कि आप लोगों को आवाज सही आ रही है, मेरे ख्याल में आपका नेट का इशू था। Karl Marx की आपने ये थ्योरीज पढ़नी है। Karl Marx का ताल्लुक conflict perspective से, ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये होता है, बल्कि चले वो डिस्कस करेंगे इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अगेन कंपैरेटिव एनालिसिस की, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह पढ़ना है या हम आपको किस तरह पढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ सोशल क्लास है। अब Karl Marx ने कहा कि भाई जी काशिफ, Karl Marx का पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट भी वही है तकरीबन, कैपिटलिस्ट और बर्जुआइजी, और यहाँ पर भी वही है। अच्छा, Karl Marx ने कहा कि भाई जो सोशल क्लास है ना, ठीक है, मैं वीडियो ऑन करता हूँ, शायद आवाज सही आए आपको। Karl Marx ने कहा जो आपकी सोशल क्लास है ना वो टोटली डिपेंड करती है योर फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, वो टोटली डिपेंड करती है योर फाइनेंशियल पोजीशन। और Karl Marx ने कहा कि सिर्फ दो क्लासेस हैं, एक कैपिटलिस्ट क्लास है यानी जो लोग जो इंडस्ट्री को ओन करते हैं, और एक वर्कर क्लास है जिसको उसने बोला प्रोलिटेरियट। अब अगर आप Max Weber की बात करें ना, तो Max Weber ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। उसने बोला सोशल क्लास तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है, प्रॉपर्टी,
पावर एंड प्रेस्टीज। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ईडी अब्दुल सत्तार ईडी, ठीक है। अब अब्दुल सत्तार ईडी ही बिलोंग्स टू द लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, कि वो बिल्कुल लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी है, एक गरीब इंसान है, गरीब इंसान था। बट अगर अब्दुल सत्तार ईडी किसी भी टाइम चाहे तो वो प्राइम मिनिस्टर को भी कॉल कर सकता था, ठीक है। ये थी उसकी कैपेसिटी। क्या उसके पास बहुत बड़ा बंगला था, क्या उसके पास इंडस्ट्रीज थी, क्या वो बहुत आलीशान घर में रहता, नहीं, एक छोटा सा कमरा था, नीचे सोते थे। बट क्यों? प्रेस्टीज की वजह से। उस बंदे की प्रेस्टीज थी, लोग बोलते थे दुनिया की सबसे बड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रन करता था। क्या यहां पर उसके पास पैसा था? नहीं। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी गलत साबित हुई। सिमिलरली पावर, ठीक है ना। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ पावर, आप सिविल सर्विसेज की एग्जाम्पल ले लें, जो आप करने जा रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स। क्या ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी ज्यादा है? बिल्कुल नहीं। डीसी की तनख्वाह कितनी होती है? 1,00,000, 1,10,000। अगर उसके आप कंपेरेबल देखें कॉर्पोरेट सेक्टर में 6,00,000, 7,00,000 रुपए तनख्वाह मिल रही होती है। बट क्या ब्यूरोक्रेट की सोशल क्लास और एक कॉर्पोरेट में सोशल क्लास बराबर है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज द पावर इन द ब्यूरोक्रेसी जो उसको इलीट क्लास में ले जाती, समझ रहे? फिर फेम, ठीक है ना, क्या फेम से भी आगे जा सकते हैं अगर आपके पास फेम हो? फिर ये तीनों चीजें आपस में कन्वर्टेड है, ठीक है, ये तीनों चीजें आपस में क्या है, इंटरचेंजेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास प्रेस्टीज है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, या आपको प्रेस्टीज है तो आप उसको पावर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्नल्ड था, अब जो आर्नल्ड था वो यूएस का एक्टर था, उसको प्रेस्टीज मिली, उसने उसको कन्वर्ट किया, कैलिफोर्निया का जो है वो गवर्नर बन गया, ठीक है। सेम इज द केस विद इमरान खान, प्रेस्टीज थी, फेम था, कन्वर्ट किया पावर के अंदर, ठीक है। तो अगेन ये कंपैरेटिव है कि कार्ल मार्क्स एक बात बोल रहा है, मैक्स वेबर कह रहा है कि तीन चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर अगेन अगर आप कार्ल मार्क्स की बात करेंगे तो वो कह रहा है कि सिर्फ दो क्लासेस है, कि भाई कैपिटलिस्ट जो इंडस्ट्रीज के मालिक है और वर्कर है। फिर मसला कब आ जाता है? मसला आ जाता है कि एक मैनेजर है जिसके नीचे 200 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या मैनेजर और वर्कर की क्लास बराबर है? क्योंकि मैनेजर के पास तो कंपनी का मालिक नहीं है, मैनेजर तो कंपनी का मालिक नहीं है, तो क्या वो वर्कर है? तो अगर वो वर्कर हो गया तो उसके नीचे तो अगेन 200 लोग काम कर रहे हैं, उसकी क्या क्लास होगी? सेम इज द केस विद दुकानदार, छोटी सी एक रेड़ी लगा रहा है, हालांकि रेड़ी उसकी अपनी है, तो क्या हम उसको कैपिटलिस्ट कंसीडर करेंगे या उसको वर्कर कंसीडर करेंगे? अगेन ये इश्यूज के ऊपर एक डिटेल डिस्कशंस करता हूं मैं हमेशा सोशियोलॉजी में, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। सना ने बोला सर नेल्सन मंडेला, आ गया नेल्सन मंडेला, द पावर प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन प्रेस्टीज, प्रेस्टीज को पावर में कन्वर्ट किया। मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, कार्ल मार्क्स की बात करें, अच्छा सोशल चेंज, जब भी आप सोशल चेंज के सवाल आए, बहुत सारी थ्योरीज है सोशल चेंज की, उसके साथ मैंने पहले ही बोला था थ्योरीज के साथ आपने आंसर देना है, थ्योरीज के बगैर आंसर नहीं करना। तो सोशल चेंज की काफी थ्योरी है कि साइक्लिक मॉडल क्या है, एवोल्यूशनरी मॉडल क्या है, कॉन्फ्लिक्टिव थ्योरी क्या है, ठीक है। एवोल्यूशनरी है कि एवोल्यूशन होता है, ठीक है, कि पहले बड़ी सिंपल सोसाइटी थी, फिर कॉम्प्लेक्स हुई, फिर कंपाउंड हुई, फिर डबल कंपाउंड हुई। साइक्लिक है कि सोसाइटी बनती है, मेच्योर होती है, राइज पर जाती है और फिर डिक्लाइन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मुगल्स थे, 1556 के अंदर जो है वो बाबर ने जो है वो पानीपत में हराया और जो है वो अपनी जो है वो एम्पायर को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया, और वही एम्पायर 1857 में जो है वो इंग्लैंड एम्पायर ने उनको हराया और यहाँ पर अपनी सल्तनत कायम कर दी। यानी एक सोसाइटी जो पूरा चेंज था उसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया और फिर दूसरा साइकिल शुरू हुआ, यानी दूसरे लोग शुरू हो गए। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी थोड़ा सा मुश्किल है, अभी बताना मुश्किल हो जाएगा, कोर्स के अंदर बताऊंगा। वो कहता था सिंथेसिस होता, थीसिस होता है, उसका एक एंटीथीसिस होता है और एक सिंथेसिस होता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में दो लोग, एक तरफ जो है वो क्लास थी, यानी आपको उनको क्या बोलते थे, मेरे जहन से निकल गया, नीचे बैरॉन्स थे, वर्कर्स थे, ऊपर अगेन पावर इलीट थी, दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, क्लैश हुआ, थीसिस था उसका, एंटीथीसिस था, क्लैश हुआ और एक नया सिस्टम जनरेट हुआ जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस, ठीक है। तो अगेन ये चीज होती है, फिर अगर आप उस पर अगेन पढ़ेंगे कि उस, फिर मैं अभी आप एक थोड़ा मुश्किल नहीं करना चाह रहा आप लोगों के साथ, तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में सोशल चेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको पढ़ना जरूरी है। फिर जी सोशलाइजेशन, बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए आपको सोशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ सोशल। अब देखो ना यहाँ पर सिलेबस में उसने ये बात की नहीं है, अब सिलेबस में उसने क्या लिख दिया है, उसने सिर्फ एक लव लिख दिया, ये
ये देखिए, इंडिविजुअल सोशलेबिलिटी और द सोशलिटी ऑफ मैन, बस और कुछ नहीं लिखा हुआ। आपको क्या पता चलेगा क्या क्या करना है, तो आपने ये चीजें करनी है। सोशलाइजेशन क्या है, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, सेकेंडरी प्राइमरी रीसोशलाइजेशन क्या है, मोड्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, इफेक्टिव मेथड, ऑब्जर्वेंट मेथड, सोशियो कल्चरल मेथड, मेथड्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, मोड्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड होते हैं, एम्स और फंक्शंस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, ठीक है। फिर अगेन इसकी भी थ्योरीज आपने जरूर करनी है कि हॉर्टन कॉले की थ्योरी क्या है, हर्बर्ट मैंड की थ्योरी क्या है, पिगेट की क्या है, फ्रीउड की क्या है, सोशलाइजेशन इनटू इमोशंस किसे कहते हैं। मैंने इमोशंस की आपको एग्जांपल दी थी कि एक औरत जो रूरल एरिया में, उसी क्या गर्ल चाइल्ड की जो है वो बर्थ हो रही है, और एक बंदी डेवलप रीजन में, और उसकी गर्ल चाइल्ड की बर्थ हो रही है, दोनों के इमोशंस डिफरेंट होंगे। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर आप देखें कि दो अगर इलीट क्लास के लोग हैं आपस में मिल रहे हैं तो वो बड़े रिजर्व रहेंगे, और अगर दो मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास के लोग आपस में कई दिनों बाद मिल रहे हैं तो वो बड़ा एक जो है उनके अंदर आपको वार्म्थ नजर आएगी। हालांकि इंसान के इमोशन सेम है, छह तरह के इमोशंस है, ठीक है, हैप्पीनेस, सॉरो, डिस्गस्ट, एंगर, सरप्राइज, बट क्यों है ये डिफरेंस? वजह सोसाइटी, वजह सोशलाइजेशन। फिर फीरल चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आप एक बच्चे को जंगल में छोड़कर आ जाए तो वो इंसानों जैसा नहीं होगा, क्योंकि सोसाइटी मेक्स यू बेसिकली अ ह्यूमन। फिर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, फैमिली आपको किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है, चाइल्ड केयर किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है, नेबरहुड, ये सब चीजें। देखिए ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी हमारी फैमिली से दिया जाता है, ठीक है ना, कि पिंक कलर गर्ल्स के लिए और ब्लू कलर बॉयज के लिए। अगर एक फादर अपने जो है गर्ल चाइल्ड को और मेल चाइल्ड को एक बाजार में लेके जा रहे, और अगर बच्चा बोलता है सर मुझे अब फादर मुझे क्रिकेट का सामान लेना है या मुझे फुटबॉल लेनी है, वो बड़ा खुश होकर देते। अगर गर्ल बोलते कि मुझे फुटबॉल लेनी है, नहीं नहीं बेटा आप नहीं, आप डॉल हाउस ले, तो वहीं से आप कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं बच्चे के लिए कि आपको रफ एंड टफ होना है और लड़की को डेलिकेट होना है, ठीक है। तो ये सोसाइटी ने जनरेट किया। अगर आपने उस वक्त उसको भी फुटबॉल दिला दी तो वो भी रफ एंड टफ होती, ठीक है। तो डेलिकेसी के कॉन्सेप्ट भी आप जनरेट, इवन द वर्ड्स वी यूज, ठीक है ना, हम जो वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट, इंटेलिजेंट, और उनके लिए ब्यूटीफुल, ठीक है, इनोसेंट, या फिर जो है वो वीक, तो ये उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा होता है। इवन आपकी जो लिटरेचर है, फॉर एग्जाम्पल देर आर लॉट्स ऑफ, देर आर इन्यूमरेबल सुपरमैन एंड जो है वो आंट मैन, उसके अलावा बैटमैन, बट औरतें कितनी है? देर इज ओनली वन वंडर वुमन, ठीक है, there is only one Wonder Woman, on the other hand there are many Superman, Spider-Man, Batman, Ant-Man, X-Men, why? Society gender को promote कर रही है। क्या आप ये examples लिख रहे हैं? अगर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं लिख रहे again ये फिर मसला हो जाएगा। और ना सिर्फ देखो example, मैंने फिर भी ये बोला, it's not about only passing CSS exam, ये जब आप चीजें सोचते हो ना then आपको पता चलता है। आप लोगों में से काफी लोग merit भी होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना, जब आप लोग इंशाल्लाह मैरिड होंगे और आप लोगों के भी जो है वो बच्चे होंगे तो आप लोगों के दिमाग में ये चीजें होंगी कि यार अगर मेरा बेटा है या बेटी है, मैं क्या वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, मैं क्या कमेंट कर रहा हूँ, क्या वो जेंडर बाइस तो नहीं है, ठीक है, वो जेंडर बाइस तो नहीं, अगर जेंडर बाइस है तो मैं अपना डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना, फिर तो मैं डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा हूँ। और चले आप शादी वाली एग्जाम्पल ले लें, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, आप एक किसी चीज को हेड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ब्यूरोक्रेसी में चले गए, आप एक मीटिंग हेड कर रहे हैं, आप एक टीम हेड कर रहे हैं, उसमें कुछ दो तीन औरतें हैं और दो तीन आदमी हैं, तो उस वक्त भी आप देखेंगे कि यार मैं जो ये वर्ड्स यूज कर रहा हूँ या मैं जो ये प्लानिंग है कि जेंडर बाइस तो नहीं है, ठीक है, ये हमेशा जेंडर बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है ना, जेंडर बैलेंस होनी चाहिए। देन सोशलाइजेशन एंड कल्चर, आप हाँ किस तरह सोशलाइज, मैंने पहले भी बोला जिस तरह आप बैठते हैं, उठते हैं, बोलते हैं, हर एक चीज डेवलप होती है कि आपके दिमाग से, यानी आप किस सोसाइटी में बैठ रहे हैं, ठीक है, आप किस सोसाइटी में बैठ रहे हैं, उस वो चीज वहां पे डेवलप होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, पुराने जमाने में जो है वो गाने बजाने को अच्छा समझा नहीं जाता था, तो बोलते थे ये क्या, तुम जो है वो क्या बोलते थे उसको, एक लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा इस टाइम पर, कि आप ये बनना चाह रहे हैं। अब आप देखें ये सेम चीज जो है वो एक रॉक स्टार बन गया, आइडियाज चेंज हो गए, सोसाइटी चेंज हो गई, अब वो अच्छा माना जा रहा है ऑक्यूपेशन। मिराफी सना बिल्कुल सही कह रही, ठीक है ना, यानी उसको एक आपने स्टिग्मा बना दिया था। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको इम्पैक्ट कर रही होती है,
क्या है, इसको पूरा डिटेल में स्टडी किया जाएगा। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी खत्म होता है यहां पर डिस्कशन ऑन द सिलेबस का। तीसरा पार्ट है जी हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन। आपने कहां से करनी है जी प्रिपरेशन की सोर्सेज, जो हमारे बच्चे हमसे ज्वाइन करेंगे उनको तो पूरी लेक्चर्स और सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी, नोट्स वगैरह, और जो नहीं प्रिपेयर कर रहे तो उनके लिए पहली बुक है जो कि रिकमेंडेड है एफपीएससी की, एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी अ डाउन टू अर्थ अप्रोच बाय जेम्स हैंसलिन। इस बुक का मसला यह कि इसमें हर चीज है लेकिन इसको ढूंढना पड़ता है, एक जगह कहीं पर नहीं है। देन thoughtco.com एक वेबसाइट है उसके ऊपर जाएं, यूट्यूब के ऊपर सोशियोलॉजी क्रैश कोर्स अवेलेबल है, उसको सुनकर भी आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है जी हाउ टू प्रिपेयर सोशियोलॉजी, ये तो हो गया वेयर टू किस तरह प्रिपेयर करना है, ये मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूं लेकिन फिर भी बता देता हूं। डेवलप डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरेटिकल पोर्शन, थ्योरीज को डीप में करेंगे क्योंकि हर चीज से रिलेटेड है, कोई भी सवाल आता है उसी से रिलेट करना है, या थ्योरीज भी आती हैं तो राइट मल्टीपल एग्जांपल्स ऑन ईच पॉइंट। अगर थ्योरीज पूछ लेता है तो करंट एग्जांपल्स लिखनी है। कनेक्ट कंटेंपरेरी हैपनिंग्स प्रॉब्लम्स विद थ्योरीज, एक्सप्लेन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हर प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना है, ठीक है, कि भाई कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है, सिंबॉलिक फंक्शनलिज्म क्या है, इसी तरह सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म क्या है। अगर ये आप हेडिंग नहीं भी डाल लें फॉर एग्जांपल, तो आप कार्ल मार्क्स डाल दें तो कार्ल मार्क्स बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से है। इसी तरह अगर आप दर्खैम डाल दें, दर्खैम का ताल्लुक जो है वो फंक्शनलिज्म से है, ठीक है, तो आप जो है वो साइंटिस्ट की थ्योरीज भी अगर आप बता रहे तो बेसिकली सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ही है, ठीक है। काशिफ अहमद कह रहे हैं आई हैव अब्दुल हमीद टागा बुक सर। काशिफ शायद तुमने मेरा पहला पॉइंट मिस कर दिया, मैंने यहाँ पर बताया था, अगर आपको मैं बताऊं, अच्छा हुआ तुमने दोबारा पूछ लिया क्योंकि मैं आपको दोबारा ये पॉइंट बता देता हूँ। देखो काशिफ यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि अब्दुल हमीद टागा इज नथिंग बट अ स्क्रैप, इज अ ट्रैश, इसको किसी को दे दो, बल्कि दे दो, दो भी नहीं, इसको कहीं छुपा के रख दो, ठीक है, कि कहीं किसी और का टाइम जाया ना हो। इस बंदे ने बुक लिया और लोग उसको रिकमेंड करते हैं, इट इज अ सब स्टैंडर्ड बुक, एक ही चीज बार बार रिपीट है, कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया, ठीक है, इसको आप छुपा के कहीं पर रख दें कि आपकी भी नजर ना पड़े उसके ऊपर। वर्ल्ड टाइम, मैंने बोला किसी अकेडमी वगैरह की बुक्स आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ, इसका आंसर दे चुका हूँ, स्टार्ट इसी से किया था मैंने, मैं आपको सोर्सेज बता दिए हैं, या फिर अगर आप मेरे लेक्चर्स लेंगे वो भी मोर देन इनफ होंगे, ये सोर्सेज हैं मौजूद आपके पास जो कि स्टैंडर्ड सोर्सेज है। अच्छा जी ये तो हो गया हाउ टू प्रिपेयर, अब है हाउ टू स्कोर हाई इन सोशियोलॉजी। आपके इंट्रोडक्शन लिखेंगे, टेबल चार्ट्स वगैरह बनाएंगे, मेन हेडिंग, सब हेडिंग, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है थ्योरीज पूछे तो एग्जाम्पल्स लिखोगे, प्रॉब्लम चैलेंज या कोई इश्यू पूछे तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दोगे। आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, थ्योरी पूछे तो एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम या कोई सिनेरियो पूछे तो उससे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एंड में क्रिटिकल एनालिसिस या कंपैरेटिव एनालिसिस दोगे, क्रिटिकल एनालिसिस या कंपैरेटिव एनालिसिस, और एंड में कंक्लूजन। नहीं नहीं एग्जाम्पल्स को क्या प्रूफ करना होगा, एग्जाम्पल तो खुद ही प्रूफ है ना, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कह रहा है कि जैसे मैंने सुसाइड की एग्जाम्पल दी थी कि उसका आर्ग्यूमेंट है कि आप सोसाइटी से जितने अलग हो जाएंगे उतना सुसाइड रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर हमने एग्जाम्पल दी कि भाई वो लोग जो मजहब से दूर हो जाते हैं उनके सुसाइड रेट बढ़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल एथिस्ट, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए, इसको क्या मजीद प्रूफ करें। अच्छा जी देन जी हमारे पास सेलियंट फीचर ऑफ सोशियोलॉजी जो कि सी एस एस ब्रिंडी का कोर्स है, ये पहले भी बता चुका हूँ, इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है क्योंकि कुछ बच्चों को जो है वो थोड़े से इश्यूज थे उसकी वजह से कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। क्या है जी, कॉम्प्रेहेंसिव लेक्चर्स इन अ फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑलरेडी कॉम्प्रेहेंसिव रिकॉर्डिंग्स मौजूद है ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर, वो आपको एक्सेस दिया जाएगा फॉर 3 to 4 months के लिए। अब सवाल पैदा होता है आपके क्वेश्चन आंसर का कि भाई क्वेश्चन आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन में ये होगा कि आप पूरा वीक वो लेक्चर सुनेंगे, वीक में एक या दो क्लासेस लाइव हुआ करेंगी जिसमें आपकी क्यूरीज को टैकल किया जाएगा, ठीक है, यानी मैं टॉपिक नहीं बताऊंगा
यानी मैं टॉपिक नहीं बताऊंगा बल्कि आपने जो लेक्चर्स पढ़े होंगे जिसकी जो भी क्यूरी है वो मुझसे पूछेगा, मैं उसी तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ हर तरीके से आपकी क्यूरीज को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। फिर एंड में जब हम देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कवर दिस सब्जेक्ट 15, 20 या 30 डेज के बाद, आफ्टर वन मंथ एक ग्रैंड मॉक लिया जाएगा जो कि इस सब्जेक्ट का हिस्सा होगा, इस कोर्स का हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये चीज है जो है वो हम करेंगे। तो इसके अलावा इसकी फीस कितनी है जी? फीस है पूरे कोर्स की ओनली 3,000 रुपीज। वैसे तो इसकी 6,000 रुपीज थी लेकिन जून में हमने 50% डिस्काउंट दिया हुआ है बच्चों को थोड़ा फैसिलिटेट करने के लिए। सो जस्ट 3,000 रुपीज फीस है। मैं ये क्लेम वैसे तो बहुत कम करता हूँ, कुछ ही सब्जेक्ट में करता हूँ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि वाकई के वो बहुत एक कॉम्प्रेहेंसिव वे में पढ़ाए गए हैं और उनमें से एक सोशोलॉजी है। इफ यू गोइंग टू ऑप्ट सोशोलॉजी, आप अगर ये सेशन लेंगे लिटरली यू विल इंजॉय और आप खुद बोलेंगे कि मैंने सही जगह इन्वेस्टमेंट की। लास्ट पॉइंट ये है कि जो हमारे सोशियोलॉजी के नोट्स हैं जो कि मेरे लेक्चर से ही निकले हैं वो नोट्स भी आप करे जाएंगे, लेकिन नोट्स के चार्जेस डिफरेंट हैं। वो हार्ड कॉपी के अंदर है, उसकी पूरे प्रिंटिंग चार्जेस होते हैं और फिर आपके डिलीवरी चार्जेस होते हैं, तो उसके चार्जेस 2,000 रुपीज है। अगर कोई सेशन ज्वाइन करना चाहता है विद नोट्स तो 5,000 रुपीज, विदाउट नोट्स 3,000 रुपीज। मेरा व्हाट्सएप नंबर तमाम लोगों के पास अवेलेबल है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड रजिस्टर योर सेल्फ। दोबारा बता देता हूं, सर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ बुक रिकमेंड नहीं होगी जी? बुक भी आपको प्रोवाइड की जाएगी शॉर्ट फॉर्म में, वीडियो रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी, बुक दी जाएगी शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। और अगर आप मेरे नोट्स ले लें तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है, नोट्स ही मोर देन इनफ है। और मेरे लेक्चर्स, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा नोट्स में आपकी जो वो वाले पार्ट है थ्योरीज वगैरह की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी और मेरी लेक्चर से आपको एग्जाम्पल आ जाएगी, तो आपको कोई बुक जो है वो ढूंढने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अगेन थैंक यू। अच्छा, अब किसी का जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लें, मैं आपको अनम्यूट करने की इजाजत दे देता हूं, तो आप अनम्यूट कर लें। रुके एक मिनट, तो अनम्यूट करके आप चीजें पूछें तो फिर जो है वो हम करते हैं। शयान देख कह रहे हैं सर विल यू कवर पास्ट पेपर्स? जी शयान, अगर आप लोग चाहेंगे तो जब हम लाइव जो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे ना आपको और जब आप लोग वो सुन रहे होंगे, और उसमें भी मैंने काफी पास्ट पेपर्स कवर किए हैं, लेकिन वो जो हफ्ते में एक या दो क्लासेस होंगी ना तो उसके अंदर हम आपकी क्यूरीज को भी एड्रेस करेंगे और पास्ट पेपर्स भी डिस्कस कर लिया करेंगे, ये भी हम कर लेंगे। यानी हफ्ते में एक या दो क्लासेस होंगी तो उसमें क्यूरीज और पास्ट पेपर्स दोनों डिस्कस कर लेंगे। जी सना, ये जो कोर्स डिजाइन हुआ हुआ है ये CSS के सिलेबस पे डिजाइन हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी। वालेकुम सलाम जी। शायान बोले जी। सर हमें एक आइडिया ये दे दें। अच्छा, मैंने ना आपके लेक्चर्स अभी सुने भी हैं, काफी आधे तकरीबन सुन चुका हूँ। आपको रजिस्टर लेना? जी जी सर। मुझे सर इशू ये आ रहा है कि नोट्स नहीं बना पा रहा, मतलब मैं पहले तो आप ये बताएं कि उस लेक्चर, जी जी सर, पहले ये बताएं कि वो जो लेक्चर्स आप सुन रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव हैं, समझ में आ रहे हैं आपको? सर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। एग्जांपल्स आपने बिल्कुल अच्छी जो है क्रिटिकली गुड, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है बुक्स वगैरह से डिफरेंट है। सर किन किन जगहों पे लग रहा है कि आपको थोड़ा स्ट्रेस देना चाहिए था लेकिन वो मतलब थोड़े से या तो हम नहीं समझ पा रहे, फॉर एग्जांपल कुछ छोटे से मतलब जल्दी जल्दी आप एग्जांपल दे देते हैं एक दो उसी के लिए थी? तो उसी के लिए तो क्लासेस करेंगे हफ्ते में एक या दो। एग्जैक्टली सर। अच्छा सर, दूसरा हमें ये गाइड करें, अभी मुझे जो इशू आ रहा है क्योंकि मैंने ये प्रिपरेशन में सबसे पहले सोशियोलॉजी उठाया ना, अभी मैं बिल्कुल अभी मैंने स्टार्ट किया है CSS की प्रिपरेशन, मुझे इशू आ रहा है सर नोट्स किस तरह बनाएं, थोड़ा ये इस तरह गाइड करें। मैंने जिनसे भी पूछा है यूट्यूब पे वीडियोज देखी है वो कह रहे हैं कि आप बुलेट फॉर्म में बनाएं, हम जब नोट्स बनाने बैठते हैं तो पूरी की पूरी मतलब आप जो एग्जांपल देते हैं हम कहते हैं कि A to Z उसको मतलब नोट करते हैं अपने पास, लेकिन वो फिर रिकमेंडेड नहीं है, फिर उसमें भी देखें तो एक बुक ही बन जाती है। तो लेकिन काफ़ी लोगों ने या जो मेरे एक्वेंटेंसेज हैं उनसे भी मैंने पूछा, वो भी कह रहे हैं कि आप बुलेट फॉर्म में नोट्स बनाएं, कॉम्प्रिहेंसिव हों, क्रक्स हों, वो उस पर थोड़ा सर हमें गाइड करें कि हम नोट्स किस तरह बनाएं ताकि ड्यूरिंग प्रिपरेशन। जब पहले तो शायद अगर आपने CSS की तैयारी बिल्कुल अभी शुरू की तो आपको सोशियोलॉजी से शुरू नहीं करना चाहिए था, ये आपने बड़ा एक गलत फैसला किया
कि आपने अपनी सी एस एस की प्रिपरेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट से शुरू की। हमेशा एक असूल है कि आप प्रिपरेशन वहाँ से शुरू करते हो जो सबसे आसान है, या तो आप इस्लामियत से शुरू करते हो या जनरल साइंस एंड एबिलिटी से, ताकि फिर आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए। जहाँ तक नोट्स का ताल्लुक है तो मैं हमेशा कहता हूँ, बता भी चुका हूँ काफ़ी दफ़ा, कि दो तरीके के नोट्स बनते हैं, कहलाते हैं कॉम्प्रहेंसिव नोट्स और एक कहलाते हैं पॉइंटर नोट्स। कॉम्प्रहेंसिव नोट्स आप बनाते हैं जो डिटेल्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका पूरा क्वेश्चन होते हैं, कोटेशन होती हैं, एक्सप्लेनेशन होती हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर एंड में जाके आप उनके बनाते हैं पॉइंटर नोट्स, यानी पूरा सोशियोलॉजी का कोर्स 4 से 5 पेजेस पे आ जाता है, ताकि एंड टाइम पर एग्जाम में आपको रिवाइज करने में फायदा हो। तो ये दो नोट्स बनते हैं, कॉम्प्रहेंसिव नोट्स एज वेल एज पॉइंटर नोट्स, ठीक है। अगेन बाकी सब लोग की अपनी एक टेक्निक होती है, कुछ लोग नोट्स बिल्कुल नहीं बनाते, वो बुक में ही मार्क कर देते हैं, कुछ लोग सॉफ्ट में नोट्स बनाते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन दो नोट्स हमेशा बनाने चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव एंड पॉइंटर नोट्स। सर इसको एलेबोरेट कीजिएगा कि किस तरह आप पहले जो है कंपलसरी को क्यों जो है रिकमेंड कर रहे हैं, ऑप्शनल्स को क्यों नहीं? मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, देखो अगर आप सीएसएस की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आप डायरेक्ट ऑप्शनल्स पे ना जाओ। अगर आप ऑप्शनल्स पे जाते हो तो ऑप्शनल्स एक पे पहली बात है वो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। जब आप टेक्निकल सब्जेक्ट से शुरू करते हो तो आप उसके अंदर फंस के रह जाते हैं कि आज जैसे अभी आपने बोला सर मैं नोट्स कैसे बनाऊं, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसके पास्ट पेपर्स क्या है, फिर सोशियोलॉजी प्रिपेयर कैसा करूँ। अगर आपने शुरू करना है तो आप पहले आसान सब्जेक्ट से शुरू करें जो कि इस्लामियात है। इस्लामियात एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नो हाउ पहले से ही होती है, आपको काफी चीजें पता होती हैं। फिर इस्लामियात की काफी कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स भी मौजूद हैं एज फार एज सीएसएस प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड। जब आप इस्लामियात करते हो ना तो आप उसी टाइम आपके नोट्स मेकिंग के तमाम चीजें जो है ना वो क्लियर होना शुरू हो जाती है। फिर आप इस्लामियात कवर करते हो, फिर आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी कवर करते हो, फिर जब आप आहिस्ता ऑप्शन की तरफ मूव कर देते हो ना तो वो तमाम स्किल्स आपके बड़े शार्पन हो जाते हैं और फिर आप बड़े आसानी से ऑप्शन को कवर करना शुरू कर देते हो। अगेन इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, यू कैन डिफर विद दिस ओपिनियन इफ यू वॉन्ट, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। या काफी लोग इसी तरह करते हैं कि पहले जस्ट दे स्टार्ट द प्रिपरेशन विद एन इजीयर सब्जेक्ट एंड देन ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स डिफिकल्ट वन। सर बुक्स से नोट्स लेने में काफी डिफिकल्टी आती है, दैट्स व्हाई आई विल गिव यू द नोट्स, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। चले जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने अगेन यहाँ पर अपना नंबर लिख लिया है। सीमा कहिए सर आपके, मेरे यार एक में 65 थे एक में 67 थे। नहीं सॉफ्ट में तो नहीं है ना, सॉफ्ट में नहीं है, हार्ड में नोट्स है। चले जी थैंक यू भाई, उसका रीजन आपको पता है सना क्यों मैंने सॉफ्ट में नोट्स देना छोड़े हैं? आपने काफी दफा इंस्टेंसेस भी देखे होंगे, आप पुरानी स्टूडेंट्स हैं तो क्या है आपको सब पूरी उसके पीछे डिटेल मालूम है। चले जी थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह वी मीट होपफुली इन द सोशियोलॉजी सेशन। वैसे तो काफी बच्चे रजिस्टर्ड हो भी चुके हैं हमारे पास 7 से 8। इफ यू वांट टू ऑप्ट सोशियोलॉजी देन काइंडली रजिस्टर योरसेल्फ। फीस अगेन एक अफोर्डेबल फीस है, बल्कि लो फीस है, 3,000 rupees इज नथिंग एज फार एज द कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड एनालिसिस ऑफ माई लेक्चर आर कंसर्न, बट अगेन आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। मेरा नंबर मौजूद है, काइंडली व्हाट्सएप फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड अगर आप नहीं भी कर रहे हैं बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम, बेस्ट विशेज फॉर योर प्रिपरेशन। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर जी। अच्छा जो बच्चों को दोबारा सुनना है तो ये लेक्चर YouTube पे अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग सुन लीजिए।